पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे जेसर से यहाँ का बांग्लादेश में ट्रेन का टिकट बुक किया और बांग्लादेश ट्रेन से ही मैं जेसर से यहाँ ढाका आया। मैं जा रहा हूँ अपने काउचसर्फिंग घोष के घर। यहाँ से उनका घर अकॉर्डिंग टू हूँ वो मुझे बताया यहाँ से 30-40 मिनट लगेगा। तो लेट्स सी, उन्होंने मुझे पहले ही वार्न कर दिया कि आप अपना कैमरा थोड़ा संभाल के रखिए। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से पकड़ के रखा, तो यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट लूँगा और उनके घर जाऊँगा और बाकी बताऊँगा काउचसर्फिंग होता क्या है, कैसे आप विदेश में भी फ्री में स्टे कर सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, उनका व्हाट्सएप पे भी बात हो रही है और लोकेशन भी शेयर किया गया है। तो 200-250 मीटर दूर है मुझसे, मुझे जाना है सीधा, उसके बाद मैं मिलूँगा अपने होस्ट से। तो चलता हूँ, कंटिन्यू रखता हूँ अपने वॉकिंग को 200-300 मीटर बाद। मैं ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुँच गया हूँ और मेरा जो होस्ट है वो आसपास में ही होगा कहीं पे। तो ले हेलो तो फाइनली मैं रूम में पहुंच गया और ये है मेरा रूम। मैंने अपने सामान को यहाँ पे उतारा है। ये रहा सामान, ये रहा मेरा रूम और मैं इनसे अभी आपको मुलाकात करवाता हूँ, पहले मैं आराम से पानी। तो गाइज रात ज़्यादा हो चुकी है तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ। तो अभी रात का यहाँ पे 11:30 कितना बज रहा है भाई? 11:16। हाँ, यानी 11:15 बज रहा है और ये मेरे सामने डिनर रेडी हो गया है। अभी मैं अपने काउचसर्फिंग होस्ट से आपको मिलवाता हूँ और डिनर करूँगा, बस आज का जो प्रोग्राम है यहीं पे ख़त्म होगा। मैं अभी एक अच्छा सा एक शॉवर लेके आया हूँ, अभी मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ तो डिनर हमारा रेडी। मजा करता है, मजा ना करो। अच्छा, तो डिनर हमारा रेडी है, पीछे देखिए डिनर के नाम से वो नाच रहे विधान भाई। तो डिनर हमारा रेडी है, डिनर में क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये राइस और ये है एक आलू और कोई वेजिटेबल है, किसी चीज़ का सब्जी है। और ये चिकन है और ये है फिश, ये है ग्रीन सलाद और ये किसी चीज़ का साग लग रहा है, ये कोई साग है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा डिनर है और तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह का 11:30 बज रहा है। कुछ देर मैं आपको बता रहा था कि काउचसर्फिंग होता क्या। ये मेरे होस्ट है, अभी मैं मिलवाऊंगा इनसे। तो जैसा कि कुछ देर पहले मैं बता रहा था काउचसर्फिंग होता क्या है, तो गाइस काउचसर्फिंग मैंने पहले भी बताया, वियतनाम में भी मैंने काउचसर्फिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे वो वीडियो का लिंक है। तो गाइस काउचसर्फिंग वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर के ट्रैवलर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जैसे होता है ना फेसबुक में, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भी फेसबुक में जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, फिर फ्रेंड सर्कल रहता है, ठीक वैसे ही काउचसर्फिंग भी रहता है। लेकिन काउचसर्फिंग सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए जिन्हें ट्रैवलिंग पसंद है। तो काउचसर्फिंग वो प्लेटफॉर्म है, मतलब आप दुनिया में किसी भी कोने में जाइए और वहाँ पे काउचसर्फिंग में सर्च कीजिए, अगर वहाँ पे कोई प्रोफाइल आपको दिखता है तो आप अप्रोच कीजिए कि आप वहाँ के एरिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, वहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहिएगा। वो जो रियल ट्रैवलर होते हैं, मैं बताऊँ जो रियल ट्रैवलर होते हैं वो सचमुच वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं या समटाइम्स वो आपको अप्रोच करते हैं कि आप इस सिटी में आए हैं तो आप मेरे घर रुकिए, यहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस कीजिए, यहाँ के जो क्विजीन है, यहाँ का जो स्पेशलिटी है उसको उसका टेस्ट कीजिए। मैं भी अभी ऐसा ही काउचसर्फिंग में बांग्लादेश में हूँ, ये बांग्लादेश में मेरा पहला काउचसर्फिंग है। मैंने वियतनाम में भी काउचसर्फिंग किया था और रसिया में भी किया था, साइबेरिया में भी किया था, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जहां पे मैंने काउचसर्फिंग किया था। आज मैं खुद एज अ ट्रैवलर मैं आया हूँ बांग्लादेश यानी ढाका में और मैं काउचसर्फिंग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान ढाका को आज एक्सप्लोर करने का है। तो मेरे जो होस्ट है वो थोड़ा साई है, थोड़े शर्मीले टाइप के, जब कैमरा के सामने वो थोड़ा सा मतलब नर्वस हो जा रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी तक इंट्रोड्यूस करवा नहीं पाया हूँ। अगर देखता हूँ अगर वो कैमरा साई नहीं है तो मैं करवाता हूँ, वरना एनीवे मैं ओवरव्यू बता ही देता हूँ। उनका नाम है तुहीन और वो ढाका में रहते हैं
और वो भी एक ब्लॉगर है और फिलहाल वो अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं, तो उन्हें भी घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरा प्लान उनके साथ आज सिटी टूर का है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए आए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करके उसका पास में जो बेल आइकन है ना उसका क्लिक करके ऑल कर देना है। ओके समझा? यस। खटाक खटाक खटाक। तो चलिए मिलते हैं, माफ कीजिए ऊबर से नहीं बुक किया, ये बर्गनिंग करके रनिंग में हम लोगों ने बुक कर लिया है। और ढाका यूनिवर्सिटी मैंने आसे पास किया छे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है यार, देख आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, फेल की भीड़ है यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे कोके कोके कुत्ते आ गए हैं। ये पुरातन ढाका है और ये पुरातन ढाका है, मतलब ओल्ड ढाका है, ढाका है जैसे आपने दिल्ली में ना पुरानी दिल्ली, वैसे ये पुराना ढाका है। और टाइम में अपने ये होस्ट को गुड बाय कहने का, और अब मैं ढाका से मेरा दूसरा जगह प्लान है, और अब मैं इनका जो मतलब जो आसियाना था जब वो अब मैं छोड़ के अब जगह जा रहा हूँ दूसरे जगह पे, तो टाइम आ गया अलविदा कहने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद होस्टिंग के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आगे के बाद भी जो आए उनको भी आप ये भाई साहब होस्ट भी है, मतलब टूरिस्ट गाइड है यहाँ पे। अगर आपको कोशिश कीजिएगा, अगर आपका कोई प्लान है ढाका में घूमने का तो ये भाई आपको गाइड कर देंगे, ये एज अ टूरिस्ट गाइड यहाँ पे एक अच्छे गाइड है, मैं रिकमेंड करता हूँ। तो बहुत बहुत